आदमी ने हमें धमकी। अलेक, अलेक कहाँ है? रणवीर, अलेक को देखो जरा, ढूंढो उसे। जी मैम। इसको कुछ पता नहीं चलने वाला कि कौन है कौन है। बातें क्लियर कर देना। कोई कसूर नहीं है, जो कहना है मुझसे कहिए। ये सब मेरी पहली थी। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ जी, हाँ जी, ये खेल हमने मिलकर रचा था। तुम्हारा मतलब क्या कि ये सब कुछ तुमने किया? हाँ रणवीर, जब मैंने आनंद भैया को बताया कि मैं आप दोनों को और मम्मी जी को मिलवाना चाहती हूँ, तब उन्होंने मेरी मदद की इस प्लान को बनाने में। हमारे परिवार में जो दूरियां आई थी, ये मुझसे और साधना से देखा नहीं जा रहा था। सच कहूं तो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। अकेली बैठी आंसू बहा रही थी, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तब आनंद भैया ने मुझे सुझाव दिया। रागिनी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम। और जब मम्मी जी ने जयदीप को जिया जी की खातिर जॉब से बाहर निकाल दिया, तो जयदीप ने इस बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया
और राजवंश हाउस के सामने धरना भी दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बात का फायदा उठाया जाए आप तीनों को करीब लाने के लिए, इसीलिए आनंद भैया जयदीप से मिलने गए थे। आनंद भैया ने जयदीप के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। देखो मैं राजवंश परिवार को जानता हूँ, वैसे वो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग? अरे बिना मतलब कि मेरी नौकरी छीन ली, इसमें कौन सी अच्छाई है? मेरा यकीन करो, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी दिलाने की जरूर कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे सामने उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और मेरा यकीन करो अगर मेरा प्लान सफल हुआ तो तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। प्लान? कौन सा प्लान? मैं सब समझाता हूँ, तुम चलो। तो क्योंकि सब जानते थे जयदीप मम्मी जी के खिलाफ है, जिया जी को इस बात का यकीन दिलवाया कि जयदीप से मम्मी जी की जान को खतरा है। और जब उसके साथी जानबूझकर फंक्शन के पैम्फलेट उनके सामने फेंक कर गए तब उनको इस बात का यकीन हुआ। रणवीर के ऑफिस में और मम्मी जी को धमकी वाले फोन किए गए। दोनों के मन में एक दूसरे की जान को खतरा है, इस बात का डर पैदा करने के लिए। बस रागिनी बस, तुम्हें जरा सा भी अंदाज है कि मॉम के ऊपर धमकी वाली बात सुनके हमारा क्या हाल हुआ था? हम लोग कितने परेशान हो गए थे मॉम को बचाने के लिए। किसी के जज्बात के साथ खेलने में जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या ये संस्कार दिए हैं तुम्हारे उस लेखक पिता ने? अगर सच में ऐसा कुछ हो जाता तो? हाँ रागिनी जवाब दो। सच में कुछ हो जाता तो? हमने आपके जज्बातों के साथ खेला है तो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के सोए हुए जज्बातों को फिर से जगा सके। जिंदगी तो ईश्वर की देन है, तो फिर आप उसे ठोके कैसे मार सकते हैं? अहंकार और जिद के कारण इसे बर्बाद कर रहे हैं, ये क्यों नहीं समझते आप लोग? माँ जानती है कि उसके बेटे ठीक है, बेटे सोचते हैं कि उसकी माँ सुरक्षित है। क्यों अपनी अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं बिना किसी की परवाह किए हुए? कभी सोचा है आप लोगों ने ये दूरियां मिटने से पहले अगर आप तीनों में से किसी को भी कुछ हो जाता तो? फिर आप तड़प कर कितनी भी आवाजें लगाते और आपको जवाब ना मिलता तब आज दो कदम आगे बढ़कर दूरियां मिटाने से इनकार है आप लोगों को। तब अगर मीलो दौड़ लगाकर किसी को गले लगाने के लिए तरस जाते तब? आज दो कदम आगे बढ़कर दूरियां मिटाने से इनकार है आप लोगों को। तब अगर मीलो दौड़ लगाकर किसी को गले लगाने के लिए तरस जाते आज मेरे किए पर
आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है ना, लेकिन इस गुस्से की वजह वही डर है ना कि अगर अगर किसी को कुछ हो जाता तो कोई क्या कर लेता। आप तीनों अपनी अपनी जिद के कारण अपने ही परिवार को एक नहीं होने दे रहे, और जब एक होना चाहेंगे तब मान लीजिए वक्त और हालात ने इसे नामुमकिन साबित कर दिया, तब क्या करेंगे आप? आप सबको यह एहसास दिलाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि देर होने से पहले आप सबकी आंखें खुल जाए, जिस तरह एक दिन मेरी आंखें खुल गई थी। मैं ये देख चुकी हूं कि मेरी एक भूल और एक गलतफहमी की वजह से मैंने अपने ही कितने रिश्तों को अपने आप से दूर कर दिया, लेकिन अब मैं अपने परिवार को एक करना चाहती थी अपनी भूल का प्रायश्चित करके। हाँ रणवीर जिया जी, वो मैं ही थी जिसके कारण मेरी बहन साधना को घर से बाहर निकाला गया था। गुस्से में आकर इंसान अपनी और अपनों की जिंदगी कैसे बर्बाद कर देता है ये मेरे तजुर्बे से सीखा है मैंने। साधना उसने मेरे लिए कितना कुछ किया और मैंने उसकी अपनी चीची में कितना दुख दिया। क्यों? इसी गुस्से और गलतफहमी के कारण। लेकिन बाद में पछताकर क्या हुआ? मेरी वजह से साधना से जो कुछ भी छिन गया क्या मैं उसे वापस लौटा पाई? नहीं, क्योंकि वक्त बीत चुका था और ये सब आप तीनों के साथ होता हुआ देख मैं कैसे चुप रह पाती। जिया जी, रणवीर, आप क्या समझते हैं? हमने आपकी आंखों में अपनों से बिछड़ने का दर्द नहीं देखा, वो तकलीफ महसूस नहीं की? मम्मी जी, क्या मैं इतना भी नहीं समझती कि वो सब कुछ आप क्यों कर रही थी? क्योंकि आप अपने दोनों बच्चों को अपने करीब लाना चाहती थी, तरस रही थी आप उनके लिए, जी नहीं पा रही थी आप अपने बच्चों के बिना। लेकिन आप तीनों ने अपनी अपनी समस्या का समाधान अपने तरीके से ढूंढा। मम्मी जी ने अपनी दौलत की ताकत से और आप दोनों ने उन पर जज्बातों का दबाव डालकर। लेकिन इससे क्या हासिल हुआ आप लोगों को? टुकड़ों में बटा हुआ एक परिवार। मम्मी जी, जो मेरे बाबू जी ने मुझे संस्कार दिए, मेरी बहन से जो मुझे प्यार मिला है, उसने जितनी कुर्बानियां दी है मेरे लिए, उन सब उपकारों का कर्ज उतारने का वक्त आज आ गया है। आप सभी मेरे अपने हैं, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है तो आप मेरे मुंह से भी निकलती है। आप सबके दुखों का बोझ लेकर कैसे जी पाती हूं? इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। डरती थी कहीं आप लोग एक दूसरे से इतनी दूर ना हो जाए कि जाकर भी वापस ना आ पाए। मेरा मकसद सिर्फ आप तीनों को मिलवाना था। आपका प्यार आपके अहंकार से बड़ा नहीं हो सकता है, इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी मैं आप लोगों को। रणवीर जिया जी, मैंने कुछ गलत किया। मम्मी
आप ही बताइए ना, मैंने क्या गलत किया? मुझे माफ कर दे, मुझे ये सब कुछ कहना पड़ा, हमारा प्लान फेल हो गया, हम नाकाम हो गए साधना, नाकाम हो गए। नहीं जी, ऐसा मत कहिए, संभालिए अपने आप को, प्लीज जी। माफ कर दीजिए आनंद भैया, हमारी की हुई कोशिश बेकार चली गई, आपने इतनी मेहनत की, हमारी मदद की, लेकिन सबने आपको गलत साबित कर दिया। नहीं रागिनी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूँ एक इंसान के लिए संपूर्ण परिवार कितनी अहमियत रखता है। एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक। और तुम दोनों तो मेरी बहन जैसी हो। एक भाई अपनी बहनों के लिए इतना तो कर ही सकता है ना। क्या हो रहा है, तुम रो क्यों रही हो? अलेक और रणवीर कहाँ है? और वसु कहाँ है? चिंता मत करो बेटा, ऊपर वाला है ना, मुझे पूरा विश्वास है, वो तुम्हारी कोशिशों को बेकार नहीं जाने देगा, उस पर भरोसा रखो। राजवीर साहब, हमने अभी अभी वसुंधरा जी को गाड़ी में जाते हुए देखा है, हमारा कार्यक्रम का उद्घाटन तो वसुंधरा जी के हाथों से होना था। हमें माफ कर दीजिए प्लीज, वो दरअसल अचानक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से हमें जाना होगा। आपके जितने भी परिवार आए हैं उनसे हमारी तरफ से क्षमा मांग लीजिएगा और अपने दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि उनके परिवार वालों की सुख शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आपकी संस्था को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद,
आप अनाथ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। और हाँ, छोटा सा योगदान हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। एंड वंस अगेन आवर अपोलॉजीज। थैंक यू। परिवार को एक नहीं होने दे रहे हो, और जब एक होना चाहेंगे तब मान लीजिए वक्त और हालात ने इसे नामुमकिन साबित कर दिया। तब क्या करेंगे आप? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।